हाल चाल है सबके। सो गाइस ये है 2023 और गाइस टाइम पे अगर बात करूं मैं आसुस के 1050 Ti के बारे में, सो गाइस क्या इस टाइम पे 2023 के अंदर इस कार्ड को बाय करना सही है, वो बात हम आज करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे भाई इस कार्ड को अभी भी लेके कुछ चीजें सोचते हैं कि इस कार्ड के साथ क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो वही चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने इस कार्ड को 2 से 2.5 साल तक यूज किया था और फिर मैंने पीसी को अपग्रेड किया था और हमने ग्राफिक कार्ड चेंज कर दिया। तो फिलहाल इस कार्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कार्ड ये किस काम के लिए मैंने यूज किया था और क्यों मैंने इसको चेंज किया। क्योंकि गाइज ये जो कार्ड है 1050 Ti 4GB के साथ आता है, DDR5 सपोर्ट है गाइज, और इसके अंदर जो है आपको एक DVI और दो एक HDMI और एक VGA पोर्ट देखने को मिलती थी। सो गाइज उस टाइम के अंदर अगर मैं बात करूँ कुछ टाइम पहले की, जब इसको लॉन्च किया था तो 2016 या 15 के अंदर आसपास शायद इसको लॉन्च किया गया, चल मेरे को डेट करेक्ट पता नहीं है, बट इसी टाइम पे रहेगा। उस टाइम पे ये कार्ड ने काफी ज्यादा डिमांड में था और अभी भी है, ऐसा नहीं है कि जितने भी बजट पीसी है उनके अंदर ये ज्यादातर यूज होता है, लेकिन अभी इसकी जगह पे 1650 ने ले ली है। 1650 और इसके अंदर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दोनों के अंदर देखने को मिलती है, सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बट ये जो कार्ड है मैंने लिया था स्ट्रीमिंग के लिए और मैंने काफी टाइम तक इसके अंदर स्ट्रीमिंग की, जैसे BGM की स्ट्रीमिंग की और पीसी के भी थोड़े बहुत गेम मैंने खेले। बट अभी के टाइम पे इसके अंदर थोड़ा सा इशू ये है कि आप इसके अंदर 1080p की स्ट्रीमिंग इजिली कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी गेम जैसे वॉर जोन हो गया या फिर Battlefield 5 हो गया या फिर अगर मैं वॉर ऑफ गॉड की बात करूं, तो ऐसी गेम को अगर आप खेलने को जाएंगे तो वहां पे आपको स्ट्रीमिंग करने में इशू होगी। क्योंकि ये जो गेम है काफी ज्यादा बड़े ग्राफिक कार्ड के लिए ही बनाएगी, इस ऐसे कार्ड के लिए इस सपोर्ट नहीं करती। मतलब गेम तो चलेगी आपकी लेकिन स्ट्रीमिंग के अंदर अटकने लग जाएगी, फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा और गेम अटक अटक के चलने लगेगा, हो सकता है आपकी स्ट्रीम भी बंद हो जाए या फिर आपकी विंडो भी क्रैश हो सक्सकती है। तो एक चीज पहले मैं क्लियर कर दूं, अगर आप सिर्फ गेम खेलना चाहते हो, ओनली गेम खेलना चाहते हो, हल्की फुल्की एडिटिंग करना चाहते हो, तो फिर आप इसके अंदर मैक्स सेटिंग के अंदर भी गेम खेल सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट स्ट्रीमिंग के टाइम पे आपने जो अगर पीसी की गेम खेलना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आपको बहुत ही लो सेटिंग के अंदर गेम को खेलना पड़ेगा। स्ट्रीमिंग के लिए भी लो सेटिंग के अंदर ही आप स्ट्रीमिंग 1080p पे रख सकते हैं, लेकिन गेमिंग की जो सेटिंग है लो पे पूरी खेलनी पड़ेगी। अगर आप हाई सेटिंग के अंदर जाके वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। मैं मैक्सिमम जितने भी पीसी के हाई गेम है जैसे GTA भी इसके अंदर आराम से चल जाएगी, उसकी 1080p स्ट्रीम कर सकते हैं इजीली, क्योंकि गेमिंग GT के लिए कार्ड बिल्कुल सही है। बाकी बहुत गेम ऐसे हैं जिनके अंदर तो आपको पता है कि काफी ज्यादा बड़े तकड़े ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे ये बेचारा थोड़ा सा समझ सकते हो कम पड़ जाता है। तो एडिट या फिर BGM की अगर स्ट्रीमिंग करना चाहते हो आप, मिररिंग के लिए ग्राफिक कार्ड आपको चाहिए, तो भी आपको ये कार्ड निराश नहीं करेगा। अभी भी ये कार्ड की जो प्राइस है, आसूस का जो है OC एडिशन है मेरे पास और इसका प्राइस थोड़ा सा सबसे ज्यादा ही रहता है, आसूस के कार्ड आपको पता है कितने महंगे रहते हैं। अब अगर सेकंड हैंड को भी लेने को जाएंगे तो 5000 6000 के अंदर आपको देखने को ये कार्ड मिल जाता है, लेकिन नए लेने को जाएंगे तो मैक्सिमम 10000 से लेके 15000 15000 के आसपास ये कार्ड आपको देखने को मिलता है। डिपेंड करता है कि कौन से ब्रांड का आप ले सकते हो। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस कार्ड के बारे में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर लेना, वहां पे मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना।